ओके गुड इवनिंग, कैसे आप सभी। तो देखो जो लास्ट क्लास मैंने डिस्कशन किया था उसके आगे के पॉइंट आज हम डिस्कशन करेंगे। तो समझो देखो लास्ट क्लास तक जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा एक बार वापस से ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने डेटा लिंक लेयर के बारे में हमने चर्चा स्टार्ट की थी, और जब भी मैं बात करता हूँ डेटा लिंक लेयर की, तो देखो धारणा OSI मॉडल की आपकी नीचे से आपकी जो सेकंड लेयर होती है वो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है। और डेटा लिंक लेयर के हमने जो फंक्शनलिटी की बात की थी उस फंक्शनलिटी के रूप में देखा था भी डेटा लिंक लेयर आपको एक तो फ्लो कंट्रोल देती है। धारणा जब फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, जब भी हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं आपके फ्लो कंट्रोल की तीन टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक ARQ, सेलेक्ट रिपीट ARQ। तो वो कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेट किया था कि डेटा लिंक लेयर आपके एरर कंट्रोल की फैसिली देती है। अब देखो ना, एरर कंट्रोल की फैसले देती है, इसका मतलब एरर कंट्रोल रूप में एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन। तो यहां पे हमने दो पॉइंट की स्टडी स्टार्ट की थी, एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन की बात की थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम एरर डिटेक्शन की बात करें तो एरर डिटेक्शन के हमने मेथड स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने एरर डिटेक्शन देखा था पैरिटी स्कीम, और पैरिटी स्कीम हमने देखा था इवन पैरिटी ओड पैरिटी, तो वो सारे कंसेप्ट हम देखे थे। फिर हमने देखा था चेकसम, और नेक्स्ट जो एरर डिटेक्शन मेथड बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका मेथड आता है कौन सा? CRC। देना नाम से ही पता लगा CRC, इसका मतलब होता है यहाँ पे हम एरर डिटेक्शन के मेथड की बात कर रहे हैं, किसकी? CRC की बात कर रहे हैं। और जब भी हम CRC की बात करें इसका मतलब होता है यहाँ मैं कह रहा हूँ साइक्लिक, देखो एक पॉइंट समझना, यहाँ मैं कह रहा हूँ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो हम यहाँ बात करते हैं किसकी? CRC की बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की बात करते हैं। अब देखो जब भी मैं यहाँ पे CRC की चर्चा करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ CRC जो टेक्निक्स होती हैं वो आपकी एरर डिटेक्शन की टेक्निक होती है। तो ना CRC की सहायता से हम डेटा पार्ट में एरर का पता लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखा था कि जो आपके पर्टिकुलर डेटा पार्ट्स में जो एरर है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हमने जो टेक्निक्स की बात की थी, तो हमने देखा था कि भी आपके पास में जो डेटा होता है, देखो हमने बात की थी कि आपके पास में जो ओरिजिनल डेटा होता है, तो डेटा के साथ में हमने बात की थी डेटा के साथ में कुछ क्या करते हैं, कुछ रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम बात की थी कि डेटा के साथ में क्या करते हैं, कुछ रिडंडेंट बिट को ऐड करते हैं, और जो ये रिडंडेंट बिट है, इन रिडंडेंट बिट को हम कहते हैं कि ये आपके एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए ऐड किए जाते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल डेटा है, उसके साथ में रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे और पूरे पूरे इसको कोड वर्ड कहेंगे, और इस कोड वर्ड को नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे। और ये जो कोड वर्ड को हम नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे जो काम, मतलब जो टेक्निक सेंडर के द्वारा अप्लाई की जाती है, वो सेम टेक्निक रिसीवर भी अप्लाई करेगा। और यहाँ पे जो दोनों जो टेक्निक अप्लाई होती है, उससे यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने जो डेटा ट्रांसफर किया है उस डेटा पार्ट में किसी टाइप का कोई भी एरर नहीं है। अब देखो जब भी मैं CRC की बात करता हूँ, तो देखो CRC आपके रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन एक टेक्निक होती है। ना यहाँ पे जब मैं CRC की बात करूंगा, तो CRC के बारे में कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये आपकी एक रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन टेक्निक है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की एक टेक्निक होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? एक टेक्निक होती है। तो यहाँ पे आपकी CRC क्या है कि आपकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है। तो इसका मतलब होता है कि इसको हम जनरली हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखना डेटा लिंक लेयर की जो CRC टेक्निक है उसको हम रियल लाइफ में यूज करते हैं जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हम फ्रेम की जब फ्रेम फॉर्मेट की जो हम कहानी पढ़ेंगे, तो फ्रेम फॉर्मेट की कहानी में भी हम इस टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो CRC टेक्निक है, इस CRC टेक्निक को हम वहाँ पे अटैच करके भेजेंगे, जिससे आपके एरर पार्ट में जो आपके पर्टिकुलर एरर, मतलब डेटा पार्ट में एरर का पता लगाएंगे। इससे पहले हमने दो टेक्निक स्टडी कर ली थी, आज की क्लास में स्टडी करेंगे किसके बारे में? CRC के बारे में। अब देखो अब CRC के बारे में जब स्टडी की बात करते हैं, तो भाई आपके जैसे नॉर्मल अगर मैं IA सूचना सहायक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो यहाँ पे आपसे कभी भी कैलकुलेशन तो करवाएगा नहीं, यहाँ पे आपसे कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो कंसेप्ट के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे के सारे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो देखो यहाँ पे एक बार जल्दी से ड्रॉ कीजिए, हेडिंग डालिए CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक। एक बार CRC हेडिंग डालिए, उसके बाद में आप स्टार्ट करते हैं CRC टेक्निक के बारे में। अब देखो पॉइंट समझो, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें CRC के बारे में जब भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं CRC, तो यहाँ पे हम बात करते हैं CRC मतलब हम कह रहे हैं साइक्लिक रिडंडेंसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब देखो जब भी मैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? देखो हमारे पास में कोई डेटा, देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में होता क्या, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट देखो, यहाँ पे इसका पूरा कंसेप्ट क्या है देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कुछ हमारे पास में डेटा पार्ट होता है,
या मैं कह रहे कि हमारे पास में एक तो क्या होता है डेटा पार्ट होता है। अगर मैं डेटा पार्ट की बात करूं, सपोज करो हमारे पास डेटा है 100 100, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में क्या है डेटा पार्ट है, ध्यान ना। या मैं कह रहा हूं कि आप में कुछ क्या होता है हमारे पास डेटा पार्ट होता है, अच्छा उसके साथ क्या होता है, उसके साथ हमें एक सीआरसी जनरेटर गिवन होता है, ध्यान ना। नेक्स्ट हमें क्या होता है एक सीआरसी जनरेटर गिवन होता है, तो आप मैं कह रहा हूं हमें क्या गिवन होता है एक सीआरसी जनरेटर गिवन होता है। अब देखो जैसे सपोज करो हमें सीआरसी यहां पे जनरेटर देखा है 1101, तो इस टाइप से यहां पे क्या होगा आपके पास में डेटा पार्ट होगा और डेटा पार्ट के साथ में आपको एक सीआरसी जनरेटर गिवन होगा। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में समझना, मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे टेक्निक्स काम कैसे करती है वो टेक्निक्स के बारे में, वो मैकेनिज्म के बारे में समझो, वो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम कहते हैं काम कैसे करता है भाई, जो भी आपका डेटा पार्ट होता है ना, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। देखो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कह रहे हैं कि जो डेटा पार्ट होता है उस डेटा पार्ट को हम डिवाइड करते हैं किससे, सीआरसी जनरेटर, सीआरसी जनरेटर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डेटा पार्ट को सीआरसी जनरेटर से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले हम यहाँ पे डेटा पार्ट के साथ कुछ रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे। अब वो रिडंडेंट बिट कितने होते हैं, तो देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके डेटा पार्ट, देखो यहाँ पे डेटा पार्ट में कितने हैं 4 बिट हैं, कितने 4 बिट है, तो जब आपके डेटा पार्ट में 4 बिट होते हैं तो रिडंडेंट बिट के रूप में, ध्यान ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ आपका सीआरसी जनरेटर में आपके टोटल कितने 4 बिट है, तो आपको रिडंडेंट बिट के रूप में क्या करना पड़ेगा, एक कम बिट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं आपके 4 बिट हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे 4 माइनस 1, इसका मतलब है कि आपके 3 बिट्स, ध्यान ना, 3 बिट्स क्या करेंगे अटैच करेंगे, ठीक है, 3 बिट्स अटैच करेंगे किसके डेटा पार्ट से, ध्यान रखना यहां पे जो 3 बिट्स अटैच किए जाते हैं, तो यहां पे 3 बिट्स का मतलब है कि यहां पे 3 क्या करेंगे 0 अटैच करेंगे। 3 बिट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 0 अटैच करेंगे, तो 3 बिट अटैच करना है, 3 बिट का मतलब क्या है 3 0 अटैच करना है। देखो यहाँ पे हर एक मैकेनिज्म बहुत अच्छे समझना, मेरे पास सीआरसी कितने बिट का था 4 बिट का था, तो सीआरसी अगर 4 बिट का है तो एक कम बिट को अटैच करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं कह रहा हूं अगर देखो इफ सीआरसी जनरेटर आर एन बिट लॉन्ग, अगर आपका सीआर जनरेटर एन बिट लॉन्ग है तो मैं कह रहा हूं देन एन माइनस वन बिट्स आर अटैच, कितनी बिट अटैच करोगे एन माइनस वन बिट अटैच करोगे किस साथ डेटा पार्ट के साथ, जो आपका डेटा है उसके साथ एन माइनस वन बिट को अटैच करोगे। अब देखो यहां पे आपका कंसेप्ट ये है कि ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो आपकी टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स में जो काम हो रहा है कैसे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैलकुलेशन अगर आपको नहीं भी आती है तो आपका काम चल जाएगा। देखो कैलकुलेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस देखो कैलकुलेशन आपसे बहुत रेयर चांस में करवाता है, कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा, लेकिन हाँ ये आपसे जरूर पूछ लेगा कि अगर आपके सीआरसी जनरेटर आपके 4 बिट का है, 5 बिट का है, 6 बिट का है, तो डेटा पार्ट के साथ कितने रिडंडेंट बिट को अटैच किया जाता है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक डेटा पार्ट था, दूसरा क्या था सीआर जनरेटर था, मैंने क्या किया डेटा पार्ट के साथ कुछ रिडंडेंट बिट ऐड किए और सीआरसी जनरेटर के साथ इसको डिवीजन करूंगा। अब यहाँ पे जो डिवीजन करते हैं ना उसका कंसेप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर डेटा पार्ट है इस डेटा पार्ट को मुझे डिवाइड करना है किससे, सीआर जनरेटर से। अब यहाँ पे डिवाइड करो, देखो तो यहाँ पे पहले मैंने डिवाइड किया तो 1101, अब डिवाइड करने के बाद में जनरल डिवीजन केस में हम क्या करते हैं सबस्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहां पे हम सबस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो यहां पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है, यहां पे आप क्या करोगे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कौन सा एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अब एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करो तो भी एक्सोर ऑपरेशन आपको बिल्कुल देखो बेसिक कंसेप्ट आपको मैं कह रहा हूं एक्सोर ऑपरेशन का, एक्सोर ऑपरेशन होता है वो क्या होता है देखो समझो, मैं कह रहा हूं 0 XOR 0, रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, 0 XOR 1 रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, 1 XOR 0 रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, 1 XOR 1 रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, ना ये होता है XOR ऑपरेशन, ठीक है XOR ऑपरेशन कहते हैं जैसे हम। अब देखो यहां पे ये XOR ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, अब XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहां पे देखो रिमाइंडर कितना आता है, देखो 1 1 क्या देगा 0, ये क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा 1 और ये क्या जाएगा 0। अब देखो ध्यान रखना जब भी बात करता हूँ आपके लेफ्ट साइड में जो 0 आता है, लेफ्ट साइड में 0 आता है उसको हटा देते हैं हम, यही तो होता है डिवीजन टेक्निक। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट आगे वाला 0 को हम लेके आते हैं, नेक्स्ट 0 को यहाँ पे लेके आएंगे, फिर वापस से डिवाइड करो भाई 1 1
जीरो वन दोबारा डिवाइड करो, यहाँ पे क्या आएगा वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या जीरो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जीरो को लेके आओ, फिर से डिवाइड करो वन वन जीरो वन, यहाँ पे क्या जाएगा वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा जीरो, फिर नेक्स्ट जीरो को लेके आओ, नेक्स्ट जीरो को लेके आओ, फिर वापस डिवाइड करो वन वन जीरो वन, यहाँ पे क्या जाएगा वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब देखो अब यहाँ पे दो जीरो है, दो जीरो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जीरो को लेके आओ, अच्छा नेक्स्ट जीरो को लेके आएंगे वन वन जीरो ही बना है, तो क्या डिवीजन हो सकता है, नहीं, तो क्या करो अगले जीरो को ले आओ जीरो, अब आप डिवाइड करो वन वन जीरो वन, इसके बाद क्या आएगा वन आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, और क्या आएगा जीरो आएगा। इस टाइप से आपको डिवीजन करना है, देन ना डिवीजन अगर आपको नहीं भी आता है ना तो आपका काम चल जाएगा, टेक्निक्स आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर डिवीजन आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, जस्ट हमने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, कैसे किया डिवीजन ऑपरेशन, सबसे पहले हमने क्या वन वन जीरो जीरो वन को हमने, ये जो पर्टिकुलर आपका डेटा है, डेटा का डेटा को हमने डिवीजन किया वन वन जीरो वन से, डिवीजन किया तो पहले डिवीजन क्या है, पहले हम डिवीजन किया उसके बाद एक्सओआर ऑपरेशन किया, देन डिवीजन करने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे आपका एक्सओआर ऑपरेशन करते हैं, ठीक, कौन सा करते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा हूँ एक्सओआर, ठीक है एक्सओआर ऑपरेशन करते हैं, जैसे ये जीरो हटा चल जाएंगे, ये जीरो हटा चल जाएंगे, ये जीरो रिमूव कर चल जाएंगे, ये जीरो क्या कर चल जाएंगे रिमूव कर चल जाएंगे, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस टेक्निक से हमने इसको डिवीजन किया। अब डिवीजन करने के बाद में यहाँ पे लास्ट के अंदर आपके पास कितने बिट आ रहे हैं, चार बिट आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इन चार बिट्स में से राइट साइड के जो तीन बिट होते हैं ना, राइट साइड के जो तीन बिट होते हैं भाई, जितने नंबर ऑफ जीरो आपने यहाँ पे लगाया है उतने नंबर ऑफ बिट को आपको यहाँ पे रिमाइंडर से आपको क्या करना है, उठा के आपको अटैच करना है। तो राइट साइड के थ्री बिट्स को यहाँ पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, यहाँ मैं कह रहा हूँ राइट साइड के थ्री बिट्स क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब जब राइट साइड के थ्री बिट्स को रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद में जो मेरे पास में यहाँ पे जो डेटा बनता है उसके बाद डेटा क्या बन जाएगा, वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, अच्छा उसके बाद क्या बन जाएगा जीरो जीरो वन, धरना ये जो आपका डेटा बनेगा इसको हम कहेंगे कोड वर्ड, क्या कहेंगे कोड वर्ड, धरना इसको हम क्या कहेंगे कोड वर्ड कहेंगे, ठीक है। और इसको कोड वर्ड कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कोड वर्ड है ना, इस कोड वर्ड को नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड आपके नेटवर्क में ट्रांसमिट किया जाता है। अब हमारे पास डेटा क्या था, डेटा तो ओरिजिनल ये था वन डबल जीरो वन डबल जीरो, लेकिन हम नेटवर्क में क्या भेज रहे हैं, वन डबल जीरो वन डबल जीरो 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 वन, तो ये कोड वर्ड को नेटवर्क भेज रहे हैं। अब होगा क्या, जब रिसीवर के पास ये कोड वर्ड पहुंचेगा ना, तो रिसीवर के द्वारा सेम टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा, इसका मतलब सेम सीआरसी जनरेटर के द्वारा इसको वापस से डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर के रूप में जीरो प्राप्त होता है तो इसका मतलब है किसी टाइप की कोई एरर नहीं है, और अगर रिमाइंडर के रूप में नॉन जीरो वैल्यू प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि वहां पे आपके डेटा पार्ट में एरर है। तो जस्ट आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर ग्रुप में जीरो प्राप्त होता है तो कोई एरर नहीं है, और नॉन जीरो वैल्यू प्राप्त होती है इसका मतलब डेटा पार्ट में कोई एरर है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर नेक्स्ट बात करूं तो आप जो कोड वर्ड है, देखो मैं कह रहा हूं जो कोड वर्ड है, अब देखो कोड वर्ड क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं वन डबल जीरो वन डबल जीरो 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 वन, ये आप पास क्या है, ये कोड वर्ड है। अब कोड वर्ड क्या करोगे आप भाई, नेटवर्क की सहायता ना, कोड वर्ड को नेटवर्क की सहायता से, भाई आपका पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, इस पब्लिक नेटवर्क की सहायता से आप क्या करोगे, रिसीवर के पास भेजोगे, किस पास भेजोगे, रिसीवर के पास, ठीक है। तो कोड वर्ड हमने क्या किया, रिसीवर के पास भेजा। अब रिसीवर क्या करेगा, सेम टेक्निक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि रिसीवर के पास भी सेम सीआरसी जनरेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिसीवर के पास सेम सीआर जनरेटर होता है तो वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। अब कैलकुलेशन कैसे करेगा, ध्यान रखना, रिसीवर क्या करेगा, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो सेम कंसेप्ट साथ कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं, जब मैं कैलकुलेशन बात करूं तो मैं कह रहा हूं वन डबल जीरो वन डबल जीरो 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 वन, ठीक है। अब इसके साथ सेम कंसेप्ट वन वन जीरो वन, इसका मतलब इस जनरेटर के साथ वापस से क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन बात करें तो जनरली अगर आप नहीं भी आते कैलकुलेशन तो काम चल जाएगा, बट हाँ टेक्निक्स आपको पूरी अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ वन वन जीरो वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वापस से वही डिवीजन करो, तो एक बार आप डिवीजन करो साथ में, उस पर आओ नेक्स्ट डेटा पार्ट को लेके आओ वन वन जीरो वन, तो वन जीरो वन जीरो, फिर नेक्स्ट डेटा पार्ट को लेके आ जाओ, फिर क्या होगा वन वन जीरो वन हो जाएगा, तो वन 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 और जीरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेटा पार्ट को लेके आ जाओ वन वन जीरो वन हो जाएगा यहाँ पे, तो वन वन जीरो
जीरो। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट डेटा पार्ट लेके आ जाओ, इसको लेके आ जाओ और इसको लेके आ जाओ, तो यहाँ पे कह रहा हूँ 01, उसके बाद 1101 और यहाँ पे क्या जाएगा 0000। अब देखो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, देखो समझो, यहाँ पे यहाँ मैंने क्या किया, सेम काम किया जो काम आप किसने किया था, सेंडर ने किया था, ध्यान रखना। यहाँ मैं कर रहा हूँ आपके सेम टेक्निक्स, इसका मतलब क्या है, ये आपका कोड वर्ड था, ध्यान रखना ये आपका क्या था, ये आपका कोड वर्ड था। इस कोड वर्ड को मैंने डिवाइड किया किससे, यहाँ पे ये क्या आपका, ये आपका सीआरसी जनरेटर है, ये आपका क्या है, सीआरसी जनरेटर है। अब देखो इस सीआरसी जनरेटर की सहायता से मैंने दोबारा से इस कोड वर्ड को क्या किया है, डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन होता है ना वो आपका एक्जोर ऑपरेशन होता है, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है आपका एक्जोर ऑपरेशन होता है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, एक्जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे आपके राइट साइड में जो जीरो है उसको हम रिमूव कर चल जाते हैं, सो लेफ्ट साइड में जो जीरो है उसको रिमूव कर चल जाते हैं, और लास्ट में रिमाइंडर ग्रुप में ध्यान, यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इफ रिमाइंडर गेटिंग जीरो, देन रिमाइंडर गेटिंग जीरो वैल्यू, देन नो एरर, देन नो एरर, आपकी एरर नहीं होती है, ठीक है। तो यहां मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर के रूप में अगर आपका जीरो है भाई, जब रिसीवर कैलकुलेट करता है और रिसीवर को कैलकुलेट करने के बाद रिमाइंडर के रूप में अगर रिसीवर को जीरो प्राप्त होता है तो डेटा पार्ट में कोई भी एरर नहीं होती है। और अगर, और मैं नेक्स्ट केस कह रहा हूं, इफ रिमाइंडर गेटिंग नॉन जीरो वैल्यू, देन यहां मैं कह रहा हूं नॉन जीरो वैल्यू, देन डेटा पार्ट हैविंग एरर। इसका मतलब होता है कि यहां पे हमें ये जरूर ध्यान रखना है, आरपीएससी आपके प्रोग्रामर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसीवर पे जब रिमाइंडर के रूप में, भाई रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होता है जब डेटा पार्ट में एरर नहीं होती है, ये क्वेश्चन आया डायरेक्टली वहां पे। तो आपसे पूछा गया था कि जब आपके सीआरसी कैलकुलेट करता है रिसीवर, और रिसीवर को कौन सी वैल्यू पे रिसीवर ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि वहां पे आपके एरर नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पे आइडेंटिफाई कर पाता है, रिमाइंडर ग्रुप में जीरो, जब रिमाइंडर ग्रुप में जीरो आती है तो रिसीवर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे द्वारा जब मेरे पास जो डेटा रिसीव हुआ है उस डेटा में कोई एरर नहीं है। अब देखो अगर आपने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी डेटा में अगर आपने चेंजमेंट कर दिया, तो चेंजमेंट करने के बाद में जब आप सीआरसी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कभी भी आपका जीरो वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, क्या रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में आपको हमेशा क्या मिलेगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। और अगर आपके रिमाइंडर में नॉन जीरो वैल्यू आपको मिलती है तो आप आसानी से यहाँ पे आपका रिसीवर होता है आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरे पास जो डेटा प्राप्त हुआ है उस डेटा में क्या है, एरर है, और इस टाइप से एरर डिटेक्ट कर ली जाती है, और एरर डिटेक्ट करने के बाद में उस डेटा पार्ट को क्या किया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक आपकी टेक्निक्स होती है जिसको हम कहते हैं सीआरसी, रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन टेक्निक होती है सीआरसी। अब देखो सीआरसी के अंदर हम बात करें तो आपको यहाँ पे हमने बात की डेटा पार्ट की, बात की सीआरसी जनरेटर की, बात की, और साथ में हमने डेटा पार्ट के साथ अटैच बिट की बात की। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, आपको क्वेश्चन में डेटा पार्ट सीआरसी जनरेटर गिवन मिलता है, सीआर जनरेटर के साथ में आप कह रहा हूँ कि कितनी बिट अटैच किए जाते हैं, तो वो आपको जनरली पता होना चाहिए, जितना सीआरसी बिट जो सीआरसी जनरेटर में जितनी बिट होती है उससे एक कम बिट को अटैच किया जाता है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके आपको जनरल ये आपको जल्दी से आप ड्रॉ कीजिए। फिर बात करेंगे सीआरसी जनरेटर को, आपको कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मेट में ना देके आपको पॉलीनोमियल फॉर्म में दे दिया जाता है सीआरसी जनरेटर को। तो अगर आपका सीआरसी जनरेटर पॉलीनोमियल फॉर्म में दे दिया जाए तो फिर आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है, सीआर जनरेटर आपको रियल में कैसे निकालना है, तो वो फिर देखते हैं। तो एक बार जल्दी से क्यू क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
जल्दी से फास्ट ड्रॉ कीजिए। ये ड्रॉ कीजिए जल्दी से। दैनिक नगर, आप हिंदी में पॉइंट लिखना चाहो तो आपको यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपको ये लिखना है कि जब रिमाइंडर, जब देखो, जब रिसीवर सीआरसी कैलकुलेट करता है तो रिमाइंडर के रूप में, जब रिसीवर सीआरसी कैलकुलेट करता है तो रिमाइंडर के रूप में जीरो प्राप्त होने पर, रिमाइंडर के रूप में जीरो प्राप्त होने पर डेटा बिट में एरर नहीं होती, जीरो प्राप्त होने पर डेटा बिट में एरर नहीं होती और नॉन जीरो वैल्यू पर डेटा बिट में एरर होती है। और नॉन जीरो वैल्यू पर डेटा बिट में एरर होती है। तो मैं कह रहा हूं जीरो प्राप्त हो गया, तो जीरो प्राप्त होगा, डेटा बिट में एरर नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, अगर आपका जीरो प्राप्त हो डेटा बिट में एरर नहीं है, और अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो आपकी डेटा बिट में एरर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि कई बार, देखो कई बार क्या होता है, आपके सीआरसी जनरेटर डायरेक्ट ना देखे सीआर जनरेटर आपको पॉलीनोमियल फॉर्म दे देता है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कई बार आप क्या देते हैं कि सीआरसी जो जनरेटर होता है ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ सीआरसी जनरेटर क्या देता है कई बार आपको, देखो डायरेक्ट ना देख क्या कर देता है आपको, पॉलीनोमियल फॉर्म में दे देता है। अब ध्यान रखना, जब भी मैं कह रहा हूं कि आपके सीआर जनरेटर डायरेक्ट ना देखे, जब आपको पॉलीनोमियल फॉर्म देते हैं तो आपको कैसा गिवन मिलेगा, देखो पॉइंट समझना, कैसा सीआर जनरेटर मिलेगा। तो आपको सीआर जनरेटर ऐसा देगा, देखो एग्जांपल देखते हैं, आपको सीआर जनरेटर देगा जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1, इस टाइप से आपको सीआर जनरेटर देगा। तो यहां पे कई एक दो एग्जांपल और लेके देखेंगे तो उससे आपको ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी आप, मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपके पर्टिकुलर जो आपका सीआरसी जनरेटर है वो सीआर जनरेटर आपको पॉलीनोमियल फॉर्म में दे रखा है। अब आपको इसका बाइनरी फॉर्म में सीआरसी जनरेटर निकालना है, भाई पॉलीनोमियल फॉर्म में दे रखा है और आपको किसमें निकालना है, आपको बाइनरी फॉर्म में यहाँ पे सीआर जनरेटर निकालना है। अब पॉलीनोमियल फॉर्म से बाइनरी फॉर्म में सीआर जनरेटर निकालते कैसे, वो कंसेप्ट देखो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपका पॉलीनोमियल फॉर्म में दे रखा है और आपको बाइनरी फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट लिखने हैं, तो जो वैल्यू आपकी गिवन है इस वैल्यू को कोफिशिएंट लिखने हैं। तो मैं क्या, मैं इस पर्टिकुलर, देखो जानना, यहाँ पे जो पॉलीनोमियल फॉर्म में जो गिवन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे बताना सही है गलत है। मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 प्लस, अब देखो एक्स की पावर 2 यहाँ पे क्या है, एबसेंट है, तो एक्स की पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2, भाई यहाँ पे एक्स की पावर 2 एबसेंट है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 0 मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स पावर 2 कोफिशिएंट क्या है, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या किया उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद एक्स की पावर 1 भी एब्सेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद 1 है, अब देखो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। क्या मैं, क्या देखो ध्यान रखना, क्या मैंने ये जो पर्टिकुलर, ये जो यहाँ पे मैंने पॉलीनोमियल फॉर्म में जो स्टेटमेंट लिखा है नीचे वाला, क्या नीचे वाला स्टेटमेंट और ऊपर वाला जो स्टेटमेंट दोनों इक्वल है अनइक्वल है, जल्दी से फास्ट बताओ भाई, ये दोनों इक्वल है ना। अब देखो समझो इक्वल कैसे, मैंने एक्स की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो एक्स की पावर 4 ही आएगा, एक्स की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स की पावर 3 आएगा, एक्स की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये जो आपका ये पर्टिकुलर कोफिशिएंट है 0 बन जाएगा, x की पावर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रखा तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 1 को x की पावर 0, x पावर 0 में से क्या होती है 1 होती है, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल आपको ये करना है कि यहाँ पे जितने भी 0 1 है ना, उन 0 1 को आपको अलग से लिख लेना, जो भी आपके 0 1 है उन 0 1 को आपको क्या करना है, अलग से लिख लेना है, और यही आपका क्या बन जाएगा, यही आप क्या बन जाएगा, बाइनरी फॉर्म में आपका सीआर जनरेटर। तो आप क्या बन जाएगा 1 1 1 1 0 0 1, और इसी को हम कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी क्या हो जाएगा, बाइनरी सीआरसी, बाइनरी सीआरसी जनरेटर। ठीक है, तो यहां पे ये आपका बाइनरी फॉर्म में सीआरसी जनरेटर आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि आपके कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे पॉलीनोमियल फॉर्म में सीआर जनरेटर आपको एग्जाम में देता है और आपसे कहता है कि उस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल फॉर्म का जो आपकी पॉलीनोमियल फॉर्म में जो जनरेटर है उसका बाइनरी जनरेटर क्या होगा। तो ध्यान रखना, बाइनरी जनरेटर निकालने के लिए आपका बहुत ही इजी तरीका होता है,
बस आपको इतना सा करना है कि उसको कोफिशियंट भी लिखना है, और उसको कोफिशियंट भी लिखने के बाद आपके जो 0-1 की वैल्यू था ना, जैसे 1 1 0 0 1, बस इसको आपको डिनोट कर देना है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बाइनरी फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, आपका सीआरसी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्यूकिश एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो जिससे आपको अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और लो जिसमें आपको सीआरसी जनरेटर आप दे रहा हूँ, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। आपको क्या करना है, इसको आपको बाइनरी फॉर्म, देखो याद आना, ये जो सीआरसी जनरेटर आपके पॉलीनोमियल फॉर्म में दे रखा है, आपको इसका बाइनरी इक्वलेंट आपको सीआरसी जनरेटर निकाल के बताना है। तो करना क्या है, आपको इसका बाइनरी इक्वलेंट सीआरसी जनरेटर निकालना है। जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके बताओ कि बाइनरी इक्वलेंट सीआरसी जनरेटर क्या होगा, फास्ट कैलकुलेट करके बताओ बाइनरी इक्विवेलेंट सीआर जनरेटर क्या होगा। तो यहां पे देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, क्या रखोगे भाई यहां पे, कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखोगे। तो कोफिशिएंट फॉर्म में देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पे 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 प्लस, फिर मैं कह रहा हूं देखो 4 एब्सेंट है तो मैं क्या करूंगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 प्लस, यहां मैं कह रहा हूं 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 प्लस 2 एब्सेंट है तो मैं क्या करूंगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 प्लस, फिर मैं कह रहा हूं 1, इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1, भाई एक्स की पावर 1 है ना ये, हम लिख सकते हैं 1। अच्छा उसके बाद क्या है 1 भी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कहेंगे 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, डन। अच्छा उसके बाद जनरल क्या करना है, आपको 0-1 की फॉर्म लिखना है, तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ये, तो क्या है बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, 1 0 1 0 1 1, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कह रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी बाइनरी सीआरसी जनरेटर हो जाएगा, ये आपका बाइनरी सीआरसी जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, 1 देखो इसमें हो जाएगा 1 0 1 0 1 1, ठीक है 1 0 1 1 0 1 1। भाई आपके सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, 1 0 1 0 1 1, देखो प्रॉपर कैलकुलेट करो एक बार दोबारा से, अच्छे से कैलकुलेट करो, रॉन्ग आंसर है। ओके अब देखो यहाँ पे आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट में हम कह रहे हैं कि ये आपके सीआरसी के ऊपर सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो हमारे पास में क्या होते हैं, सीआरसी भी एक एरर डिटेक्शन की टेक्निक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सीआरसी एरर डिटेक्शन की जो टेक्निक है, इस टेक्निक्स में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा कि कैसे आपके कैलकुलेशन करके आपके पर्टिकुलर हम जो आपके डेटा बिट्स के साथ में जो रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं उसको कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेशन हमने समझी। साथ में हमने एक कंसेप्ट और समझा कि यहाँ पे जब भी आपका डेटा, जब भी आपका सीआरसी जनरेटर आपके डायरेक्टली ना देके आपको जब पॉलीनोमियल फॉर्म में देता है तो उससे आपका बाइनरी सीआरसी जनरेटर कैसे निकाल जाता है, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा। तो अच्छा कंसेप्ट था, बेसिक चीजें थी, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे अगर अगले कंसेप्ट की बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका हैमिंग डिस्टेंस, देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम होता है आपका, उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस। देखो नेक्स्ट आता है आपका हैमिंग डिस्टेंस। अब देखो पॉइंट समझो, जब भी हम हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो हैमिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे कोड वर्ड के बीच में चेंजमेंट की बात करते हैं। अब देखो कोड वर्ड के बीच में चेंजमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी हम किसी डेटा पार्ट को सेंड करते हैं, देखो मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि मुझे, मैंने क्या किया, कोई डेटा है जिसको हमने सेंड किया है, ठीक है,
देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे पास में क्या है, एक डेटा पार्ट है, यहाँ पे क्या है मेरे पास में डेटा पार्ट है, इस डेटा पार्ट को मैंने क्या किया है, सेंड किया है। अब जब मैं यहाँ पे डेटा पार्ट को सेंड करने की बात करता हूँ, देन यहाँ पे डेटा पार्ट को मैं सेंड करने की बात करता हूँ, तो उस टाइम पे नेटवर्क में यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो रियल में तो आपके सिग्नल की फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है। और जब मैं कहता हूँ कि आपका डेटा सिग्नल की फॉर्मेट ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे आपका सिग्नल का एक फिक्स चेंज होना जरूरी होता है, नहीं तो आपके एरर के डिटेक्शन और करेक्शन के बारे में पता नहीं लगेगा। तो यहां पे एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, कोड वर्ड के बीच का चेंजमेंट होता है जिससे हमारी एरर डिटेक्शन और करेक्शन का पता लगाया जाता है। अब निकालते कैसे हैं ये आना चाहिए, और एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए आपके कितने मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है वो आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपका हैमिंग डिस्टेंस में आपको कवर करना है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि जब भी हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कोड वर्ड के बीच चेंज की बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कोड वर्ड के बीच डेटा, कोड वर्ड के बीच डेटा बिट्स का चेंजमेंट, कोड वर्ड के बीच डेटा बिट्स का चेंजमेंट क्या कहते हैं आपका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। अब देखो, अब हैमिंग डिस्टेंस का मतलब एक बिल्कुल जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप, मैं कह रहा हूं कि भी मैंने क्या किया, मेरे पास एक डेटा है और मैंने क्या किया, डेटा मेरे पास क्या है यहां पे सुनील है जिसको मैंने नेटवर्क में ट्रांसमिट किया। अब देखो, अब यहां पे जब ये नेटवर्क में ट्रांसमिट होकर जब रिसीवर पास पहुंचा, तो सपोज करो कि यहां पे जो डेटा जो आपका पहुंचा है वो डेटा कैसे पहुंचा है कि यहां पे ऐसे पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, इस टाइप से पहुंचा है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपके डेटा पार्ट में कौन से पार्ट में एरर है, तो समझो यहां पे, तो हमारे डेटा पार्ट में जो सेकंड नंबर का, जो देखो सेकंड नंबर का जो हमारा करेक्टर है वो आपका क्या हो गया, मैं यहां पे कह रहा हूं सेकंड नंबर करेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया, सेकंड नंबर करेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जब सेकंड नंबर के करेक्टर की मैं चेंज की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है कि यहां पे मेरे पास में एक करेक्टर्स में डेटा था, करेक्टर्स के डेटा में आपके सेकंड पॉइंट पे आपका डेटा चेंज हुआ है। अब ध्यान रखना, ये जो सेकंड पॉइंट डेटा चेंज होना, इसी टाइप से आपके बाइनरी फॉर्मेट में जब डेटा होता है, तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा में जब हम कोड वर्ड्स की बात करते हैं, तो कोड वर्ड्स के बीच में जो चेंजमेंट होता है, जो आपका कोड वर्ड 0 से 1 या 1 से 0 बन जाता है, वो जो चेंजमेंट होता है, उस चेंजमेंट को हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो अगला कंसेप्ट है हैमिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, बहुत आसान तरीका है, कैलकुलेट कैसे करते हैं समझो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन, हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब भी मैं हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन बात करता हूं, देना जब भी मैं हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन बात करता हूं, तो यहां पे एक पॉइंट समझो कि हैमिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहां पे होता क्या है कि आपको कोड वर्ड गिवन मिलते हैं, जैसे सपोज करो आपको कोड वर्ड दे रखा है, या मैं कह रहा हूं जैसे आपको कोड वर्ड दे रखा है, आप कोड वर्ड कैसे दे रखा है, आपको दे रखा है 1010100, ठीक है। और दूसरा कोड वर्ड क्या दे रखा है, जैसे 1011010, ये कोड वर्ड दे रखा है, और आपसे पूछ लेगा इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस क्या है। तो आपको करना क्या है कि जो भी कोड वर्ड गिवन है, देना जो भी कोड वर्ड गिवन है, इन दोनों कोड वर्ड को आपको ऐसे लिखना है, या मैं कह रहा हूं 1010100, और दूसरे कोड वर्ड क्या है 1011010, इन कोड वर्ड को लिखना है आपको, देना इन दोनों कोड वर्ड को लिखना है आपको, और उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में इन दोनों के बीच में आपको एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन करना है, एक्सओर, ठीक है, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और एक्सओर ऑपरेशन के बाद यहां पे आपको पता लगाना है डेटा बिट में चेंज कहां पे है। अब देखो यहां मैं कह रहा हूं दोनों सेम है 0, दोनों सेम है 0, दोनों सेम है 0, चेंज है 1, चेंज है 1, चेंज दोनों सेम है 0, दोनों सेम है 0, चेंज है 1। अब यहां पे जितने नंबर ऑफ 1 प्राप्त होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ 1 प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। तो यहां पे जितने नंबर ऑफ 1 प्राप्त होते हैं, तो हमारे पास में कितना हुआ 1, 2 और 3, तो यहां पे जो नंबर ऑफ 1 है वो आपके क्या कहलाती है। तो यहां मैं कह रहा हूं कि आपके यहां पे क्या है 3 क्या है हैमिंग डिस्टेंस है, 3 क्या है यहां पे हैमिंग डिस्टेंस।
तो बहुत इजी टेक्निक्स होती है एमरेज कैलकुलेट करने की, बहुत आसान टेक्निक्स होती है। ठीक है, एग्जाम में आपसे बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे डायरेक्टली आपको कोडवर्ड दिया जाता है और कोडवर्ड के बेस पे आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी हैमिंग डिस्टेंस क्या है। तो आपको सिंपल सा इतना सा करना है कि आपके क्या है कोडवर्ड, जैसे ध्यान रखना ये कोडवर्ड है। ठीक है, कोडवर्ड को आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको लिख के उनके बीच में आपको एक्सओआर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब एक्सओआर ऑपरेशन का मतलब है कि डेटा बिट में चेंजमेंट। देखो ये तो सेम डेटा है, ये सेम डेटा है, ये सेम डेटा है, यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, ये सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, एक तो यहाँ पे चेंज हुआ है, एक यहाँ पे चेंज हुआ है, एक यहाँ पे चेंज हुआ है, तो तीन जगह चेंज हुआ है। तो जितनी जितनी प्लेस पे आपका डेटा वर्ड चेंज हो रहा है, जितनी प्लेस पे आपका डेटा बिट चेंज हो रहा है, वही आप क्या होती है हैमिंग डिस्टेंस होती है। तो बहुत आसान तरीका होता है हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली कोड वर्ड देके ऐसे आपके हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। सेकंड आपसे क्या कर लेता है, सेकंड आपसे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन आपसे पूछ लेता है। तो एक बार जल्दी से फास्ट नोट डाउन करो, फिर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन देखते हैं। तो अगर बेसिक आप पॉइंट लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो, हैमिंग डिस्टेंस एक टेक्निक होती है, हैमिंग डिस्टेंस एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा डेटा पार्ट में डेटा पार्ट क्वेश्चन में कोड वर्ड के बीच में चेंजमेंट का पता लगाया जाता है, मतलब डेटा बिट के चेंज का पता लगाया जाता है। ठीक है, डेटा बिट के चेंज का पता लगाया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको पता बेसिक आपको पता लग जाएगा। तो देखो एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, सपोज को आपका जो कोड वर्ड है वो ये है 111010010। ठीक है, आपका कोड वर्ड यहाँ पे गिवन है, ठीक है आपका कोडवर्ड गिवन है, आपको इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है। क्या करना है, आपको इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस निकालनी है। फास्ट जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी बीच की, फास्ट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी। इसी टाइप से एक एग्जांपल और भी लिख देता हूं यहाँ पे, आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर दीजिए। इनके बीच की हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी, जल्दी से फास्ट कैलकुलेट कीजिए दोनों के बीच की हैमिंग डिस्टेंस। सिंपल, आपको एक्सओआर ऑपरेशन करना है, एक्सओआर ऑपरेशन करने के बाद आपको हैमिंग डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, करो भाई एक्सओआर ऑपरेशन करो, यहाँ पे करो पहले। तो क्या डेटा बिट में चेंजमेंट है, बिल्कुल है। क्या डेटा बिट में चेंजमेंट है, बिल्कुल है। क्या डेटा पार्ट में चेंजमेंट है, बिल्कुल है। क्या चेंजमेंट है, बिल्कुल है। चेंजमेंट है, नहीं है। चेंजमेंट है, नहीं है। चेंजमेंट है, नहीं है। चेंजमेंट है, बिल्कुल है। चेंजमेंट है, बिल्कुल है। चेंजमेंट है, नहीं है ना, जो भी आपके जैसे सपोज करो 11 है, सेम है तो 0 आ जाएगा, 01 है चेंज है तो 1 आ जाएगा, 10 है चेंज है तो 1 आ जाएगा, 11 है तो सेम है तो 0 आ जाएगा, 11 है सेम है तो 0 आ जाएगा, 00 सेम है 0 आ जाएगा, 10 अलग अलग है तो 1 आ जाएगा, 01 अलग है तो 1 आ जाएगा, 10 अलग है तो 1 आ जाएगा, 01 अलग है तो 1 आ जाएगा। अब देखो अभी आप मैं कह रहा हूँ जितने नंबर ऑफ 1 होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ 1 होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपकी होती है हैमिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्सओआर ऑपरेशन करने के बाद में जितने नंबर ऑफ वन आपको प्राप्त होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, हैमिंग डिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी है, 6। कितनी है, 6। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत आसान सी टेक्निक होती है हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, तो आप आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम कहानी है, एक्सओआर ऑपरेशन करना है। करो भाई एक्सओआर ऑपरेशन करो, डेटा पार्ट सेम है, बिल्कुल डेटा पार्ट चेंज है, डेटा पार्ट सेम है।
ठीक है, तो ध्यान रखना 11 सेम है, 01 चेंज है, 10 चेंज है, 01 चेंज है, 11 सेम है, 11 सेम है, 10 चेंज है, 11 सेम है। अब देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 4 आपकी क्या है, यहाँ पे जो हैमिंग डिस्टेंस होती है, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हैमिंग डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो आपके पास हैमिंग डिस्टेंस होती है, हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो हैमिंग डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 4 है, कितनी आपकी 4 है। बिल्कुल राइट आंसर है 6 और 4। ठीक है, सही आंसर है 6 और 4, बोथ आर राइट, डन। अब देखो, अब आपको बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट आता है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन फॉर एरर डिटेक्शन। तो एक कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं जिसमें बात करेंगे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। देखो यहां पे हम कह रहे हैं, हम बात करेंगे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, हम बात करेंगे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे फॉर एरर डिटेक्शन, फॉर एरर डिटेक्शन। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोड वर्ड के बीच में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जब हम बात करते हैं कोड वर्ड के बीच में मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, किसके लिए, एरर को पता लगाने के लिए, डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब पता लगाने के लिए। तो देखो इसके लिए जो आपके फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं टी प्लस वन, यहाँ बोलते हैं टी प्लस वन, और यहाँ पे जो टी होता है ना वो टी का मतलब होता है कि कितने डेटा बिट में एरर का पता लगाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लो, उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब मैं कह रहा हूं 5 bits एरर डिटेक्शन, देखो मैं कह रहा हूं 5 bits एरर डिटेक्शन, 5 bits एरर डिटेक्शन, व्हाट इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो यहां पे क्या है कि 5 bit है ना, 5 bits के एरर का पता लगाना है, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, तो ध्यान रखना यहां पे टिक की वैल्यू, ये जो 5 है ना ये क्या है, ये टिक की वैल्यू है, ये क्या है, टिक की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहां पे फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला आपका टी प्लस वन है, और टिक की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 5 प्लस 1। तो 5 बिट्स के एरर का, देन ना डेटा पार्ट्स में 5 बिट्स के एरर का पता लगा, 5 बिट्स के एरर का पता लगाने के लिए आपकी जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, कितनी होती है, 6 होती है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है आपका कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर, आपको ऐसे देखा डायरेक्टली कि जैसे 5 बिट्स के एरर का पता लगाने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर ऐसे देगा 7 बिट के एरर का पता लगाने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर ऐसे देगा किस आपकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कितने बिट के एरर का हम पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ऐसा बनता है, देखो पॉइंट समझने, यहां पे अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहां पे कह रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है यहां पे आपका, व्हेन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, व्हेन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज, देन यहां मैं कह रहा हूं व्हेन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज 8, देन हाउ मैनी बिट्स एरर कैन बी डिटेक्टेड। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस दे रखी है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपको दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टी प्लस वन की वैल्यू आपको दे रखी है, आप ध्यान रखना टी प्लस वन की वैल्यू आपको दे रखी है 8, और आपसे टी की वैल्यू पूछी है तो क्या हो जाएगी, तो आपकी टी की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7।
तो बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको डायरेक्ट, देखो दो टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भाई। पहली बात तो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता कई बार कि एरर के डिटेक्शन के लिए आपका जो मिनिमम मेमोरी डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है। तो एरर डिटेक्शन क्या होता है, टी प्लस वन होता है। अच्छा यहाँ पे जो टी की बात कर रहा हूँ, टी का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे नंबर ऑफ बिट एरर डिटेक्शन, भाई कितने बिट के एरर को डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कह रहा हूँ टी का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स एरर डिटेक्शन। यहाँ मैं कह रहा हूँ कितने बिट के एरर का पता लगाया जाएगा, नंबर ऑफ बिट एरर डिटेक्शन, टिक का मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे आपके क्वेश्चन दिया कि भाई 5 बिट्स के एरर का पता लगाने के लिए कितनी हैमिंग डिस्टेंस होनी चाहिए, 5 बिट के एरर का पता लगाना तो कितनी हैमिंग डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, टी प्लस वन, टी प्लस वन, तो यहाँ पे कह रहा हूँ टिक की वैल्यू दे रखी है कितनी 5, तो 5 प्लस वन कितनी 6, तो आपके पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 6 होनी चाहिए किसके लिए, 5 बिट्स के एरर का पता लगाने के लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगर आपको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपको डायरेक्टली गिवन होती है भाई, यहाँ पे आपको मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपको डायरेक्टली दे रखी है 8 है, तो उसके बाद कह रहे हैं कितने बिट की एरर का पता लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टी प्लस वन की वैल्यू आपको दे रखी है, टी प्लस वन की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा, बहुत आसान तरीका होता है, तो आपके यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, एक बार जल्दी से फास्ट इसे ड्रॉ कीजिए, फिर हम एरर करेक्शन की बात करते हैं। एरर करेक्शन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है उसके पॉइंट बात करते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, और सेकंड अब बात करते हैं फॉर एरर करेक्शन। देना यहां पे हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बात करते हैं किसके, एरर के करेक्शन की बात करते हैं। अब हमें एरर को करेक्ट करना है, सही करना है, तो देना उसके लिए जो यहां पे फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है 2t प्लस 1। क्या फॉर्मूला होता है 2t प्लस 1। अब देखो यहां पे इससे भी एग्जाम्पल से आए थे समझते हैं, तो बिल्कुल बेसिक चीजें देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 5 बिट्स एरर करेक्शन, देखो आप में कह रहे हैं 5 बिट्स एरर करेक्शन, what is the minimum hamming distance। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आपके 5 बिट्स है ना, यहां पे गिवन क्या है, यहां पे गिवन है कि 5 बिट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टिक की वैल्यू क्या है, कि आपको टिक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको टिक की वैल्यू गिवन है, तो अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2t प्लस 1। अब देखो ध्यान, 2t प्लस 1, टी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, 2 × 5 + 1 क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। तो देखो ध्यान रखना, आपको 5 बिट्स के एरर को करेक्ट करने के लिए, आपको 5 बिट्स के एरर को करेक्ट करने के लिए आपके पास जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 11। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि 5 बिट्स के एरर को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए आपके जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस चलती है वो कितनी होती है 11 होती है। ठीक है, इसी टाइप से आपको एक रिवर्स क्वेश्चन दे सकते हैं। इस टाइप से अगर मैं रिवर्स क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि आपको हैमिंग डिस्टेंस दे दी, तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको इस टाइप दे दिया कि यहाँ पे when minimum hamming distance is 7 bits, then when minimum hamming distance is 7 bit, then
तो यहां पे देखो नेक्स्ट में कह रहा हूं व्हेन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज 7 बिट देन हाउ मेनी, देखो उसके मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आपको दे रखी है, पर उसके बाद कह रहा हूं आपको देन हाउ मेनी बिट्स एरर कैन बी, हाउ मेनी बिट्स एरर कैन बी करेक्टेड। अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब यहां पे समझो कि आपकी कितनी बिट एरर का एरर को करेक्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे आपके टू, देखो ध्यान रखना, 2t+1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 7, 2t+1 की वैल्यू आपको दे रखी है 7, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टी की वैल्यू, तो जल्दी से बताओ टी की वैल्यू कितनी होगी भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है, 2t+1 की वैल्यू दे रखी है 7, टी की वैल्यू पूछी आपसे कितनी हो जाएगी, बेटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर बेसिक आप कैलकुलेट कर सकते हो टी की जगह कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, नॉर्मल करना चाहो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल करना चाहो तो 7-1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो इस टाइप से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके करेक्शन के लिए और डिटेक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे करेक्शन के बेस पे हमने दो क्वेश्चन देखे, अब यहाँ पे करेक्शन के बेस पे हम दो क्वेश्चन देखे, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला की बात की कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन, अब ध्यान रखना मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर करेक्शन, और एरर करेक्शन के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बात की, तो हमने बात की 2t+1 की बात की, तो फॉर्मूला क्या होता है 2t+1 होता है, टी का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट एरर करेक्शन, तो टी का मतलब होता है, यहां पर टी की बात करें तो टी का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स एरर करेक्शन, नंबर ऑफ बिट एरर करेक्शन, ठीक है, तो यहां पे टी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ बिट एरर करेक्शन। अब देखो अब यहां मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ बिट एरर करेक्शन और फॉर्मूला क्या है 2t+1 है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है जैसे आपसे बिट दे देगा, आपसे पूछेगा भाई 5 बिट 7 बिट 4 बिट 8 बिट एरर करेक्शन के लिए आपको कितनी मिनिमम कितनी हैमिंग डिस्टेंस होनी चाहिए, इसका मतलब आपको टी की वैल्यू दे देगा और टी की वैल्यू देके आपसे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस पूछेगा, तो यहाँ पे 5 बिट्स के लिए कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, तो ध्यान रखना 5 बिट्स के एरर का पता लगाने के लिए कम से कम आपके डेटा बिट्स, इसका मतलब कोड वर्ड में जो चेंजमेंट है ना वो 11 जगह पे चेंजमेंट होना चाहिए 11, तब आपके 5 बिट्स के एरर का पता लगा पाओगे आप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, When minimum hamming distance is 7 bit, then how many bits error can be corrected? अगला क्या है कि आपको minimum hamming distance आपको दे रखी है और उसके बाद आपसे पूछा कितने bit के error का correction किया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर correction की बात करें तो आपको 2t+1 की value आपको दे रखी है, आपको सिर्फ 2t की value calculate करनी है, तो ये बिल्कुल आसान सा बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, जल्दी से क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट को नोट डाउन कीजिए, बहुत आसान था एक टेक्निक आपकी, नोट डाउन कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये वाला पार्ट नोट डाउन कीजिए, एरर करेक्शन फिर उसके बाद एरर, पहले एरर डिटेक्शन फिर एरर करेक्शन। तो देखो आज के जो लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट के बारे में हमने स्टडी किया है, तो आज के लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में चर्चा की है, एक तो हमने बात की है एरर डिटेक्शन की टेक्निक कौन सी CRC, तो आज के लेक्चर में CRC के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से हमने सारे पॉइंट पढ़े हैं और सारे के सारे पॉइंट हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े हैं कि जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपका कंसेप्ट है क्वेश्चन जहां से बनता है आपका, उन सभी पॉइंटों को मैंने उसमें कवर किया है इसमें CRC में। तो CRC एक एरर डिटेक्शन टेक्निक होती है जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन टेक्निक्स भी होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने बात की कि आपके एक इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस, इसका मतलब है कोड वर्ड के बीच में जो डेटा पार्ट में चेंजमेंट होता है उस चेंजमेंट को हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। तो हमने बात की हैमिंग डिस्टेंस की बात की और हैमिंग डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना सीखा और उसके बाद हमने यहाँ पे चर्चा की कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन और फॉर एरर करेक्शन और उसके बेस पे हमारे जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे सारे क्वेश्चन के हमने डिस्कशन किया। तो आई होप आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट क्लास में आपके बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ आपके फ्रेमिंग का कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है फ्रेमिंग का। जब भी हम फ्रेमिंग की चर्चा की बात करेंगे तो फ्रेमिंग का मतलब होता है कि आपके जो डेटा बिट्स हैं, इसका मतलब होता है जो डेटा कंटिन्यू जो 01 की फॉर्म में डेटा है, तो हमें उसमें से पता लगाना है कि कौन से फ्रेम में कितना डेटा है। उस टेक्निक को फ्रेमिंग कहते हैं, कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फ्रेमिंग की तीन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर शिफ्टिंग और बिट शिफ्टिंग, इन तीनों टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।